अरे है वहां 50-50 हजार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, वो लोग जो इस प्रोपोगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज़्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज़्यादा है। तो वो लोग जो कहते हैं वो वेख्या जी की हो गया, ओ हो कमिश्नर का बयान आ गया 8 दिन के बाद। मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ पिंडी डिवीजन में, सवाय एक जो नाम है वो कौन साहब जीते हैं वहाँ, अगर आप नाम निकाल लें तो मैं अनाउंस कर लूँगी, जहाँ पीटीआई जीती है उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हजार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अब मैं आपके सामने रखती हूँ रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने रिपोर्ट किया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद जो पीएमएलएन के जीते हैं उनकी लीड है 9,497, जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। मलिक सोहेल खान 9,886 वोट्स की लीड है। राजा उसामा सरवर साहब 35,407 की लीड है। राजा परवेज अशरफ साहब 20,718 की लीड है। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। अकील मलिक साहब 12,218 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। दानियाल चौधरी साहब 26,542 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। मेजर ताहिर इकबाल साहब 13,437 की लीड है। सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब 11,964 की लीड है। बिलाल अज़र कियानी साहब 9,474 की लीड है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब 4,023 की लीड है। 50-50 हज़ार की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीज़न के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया, ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। अब कमिश्नर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्वस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है, सारी इंतज़ामिया मुलव्वस है, फौज ने सही इलेक्शन कराया, 45 फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। ये मौसूफ फरमा रहे हैं। आप चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नीचे आरओस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप डीआरओस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या आपने एक भी सबूत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको असल में कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए था, जहां इन तमाम सीटों का नोटिफिकेशन 3 दिन रुका रहा और ये कहा कि वहां पिटिशंस की हियरिंग हुई और वहां कहा गया कि अगर किसी के पास इस इलेक्शन को चैलेंज करने का कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए, तो टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन में धांधली हो गई है। आपको वो मौसूफ याद है, अफजल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिक कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिक कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब चट्ठा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा, जब वहां के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद जमीर जागा सुबह खुदकुशी करने का, भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हुई हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका जमीर जागता है 8 दिन बाद और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हज़ार की लीड दे दी गई है, और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी,
देखिए बात बहुत सिंपल है, आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे यहाँ आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की आवाम है, आज हमने फैसला करना है, हम